दीपक पांडे जी, कमल सैनी जी एवं मंच पर आसीन हमारे आदेश सैनी जी से लेकर सभी हमारे युवा मोर्चा के दोनों महामंत्रीगण, सभी पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी गणमान्य शिक्षा जगत से जुड़े हुए भाई रविंद्र पनियाला जी से लेकर अनेकों हमारे सभी शिक्षा जगत के संस्थापक, संयोजक, संचालन करने वाले आए हुए सभी पदाधिकारीगण, अमीलाल वाल्मीकि जी एवं हमारे ब्लॉक प्रमुख, सभी ब्लॉक प्रमुख, सभी प्रधानगण, सभी हमारे मीडिया के सभी हमारे मित्र और जिनके निमित्त आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। जैसा मुझे शशांक रावत ने बताया कि प्रातः काल 9:30 बजे से हमारे सभी नए मतदाता, सभी विद्यार्थीगण यहाँ पर एकत्र हो गए। ऐसे मेरे सभी प्रिय नव मतदाता, प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले तो आप सभी को, सभी नव मतदाताओं को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन, उनका संबोधन हम सबको प्राप्त हुआ है और निश्चित रूप से हम सबको एक नई प्रेरणा समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उनके उद्बोधन से, उनके संबोधन से हमेशा एक ऊर्जा का प्रभाव होता है। आप सिर्फ एक नव मतदाता ही नहीं है, क्योंकि ये नव मतदाता सम्मेलन हो रहा है तो इसलिए ये जरूर आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि आप केवल नव मतदाता ही नहीं है बल्कि आप भाग्य विधाता हैं, आप देश के भाग्य विधाता हैं। आपके वोट से निश्चित रूप से देश आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि देश को विकसित बनाने का जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है, देश को दुनिया का सिरमौर बनाने का, यानी भारत दुनिया के सबसे आगे चलेगा, पूरी दुनिया भारत के पीछे चलेगी, ऐसा संकल्प जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उस संकल्प को पूरा करने का माध्यम कोई बनेगा तो हमारे युवा ही बनेंगे, हमारे नौजवान बनेंगे, हमारी युवा शक्ति बनेगी। देश के नौजवान अगर मतदाता सूची में जो पंजीकृत नहीं हुए हैं तो उन्हें होना चाहिए। आप सबको जरूर इसको देखना चाहिए कि आपका मतदाता सूची में आपका पंजीकरण हुआ है कि नहीं हुआ है, आपका नाम उसमें आया है कि नहीं आया है, और मतदान भी अवश्य करना चाहिए। कई बार बहुत सारे हमारे नौजवान, युवा जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करने वाले होते हैं, उनको लगता है कि इतने सारे लोग मतदान करने गए हैं, अगर मैं मतदान नहीं करूंगा, मैं मतदान नहीं करूंगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन आपको पता है एक एक वोट की कितनी कीमत होती है, एक बहुत बड़े आदमी की वोट की कीमत भी उतनी है जितनी एक सामान्य व्यक्ति की है। इसीलिए कहते हैं कि लोकतंत्र में वोट का सर्वाधिक महत्व है। और मैं तो चुनाव के दिनों में हमेशा ये कहता रहा, जब भी चुनाव आता है, कि पहले मतदान और उसके बाद जलपान। आप तो मेरी बात सुन रहे, क्या कहा मैंने, पहले, जरा जोर से बोलिए, पहले मतदान उसके बाद क्या कहा, पहले मतदान फिर जलपान, क्योंकि यह इतना पवित्र काम है, यह हर किसी को करना चाहिए। युवा पीढ़ी आज हमारी जो वोट है उसके वोट के महत्व को समझ चुकी है, इसलिए मतदान के प्रति हमारे युवाओं की जो जागरूकता है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। और अभी आपने देखा जो 4 राज्यों के चुनाव हुए, उन 4 राज्यों के चुनाव में जो वोटों का परसेंटेज था, पहले बमुश्किल 50% मुश्किल से होता था, इस बार 70%, 75%,
80% तक वोटों का परसेंटेज बढ़ा है। इसके पीछे अगर सब किसी कोई सबसे बड़ा कारण है तो वो आप जैसे नौजवान युवा मताधिकार करने वाले मतदाता है। साथियों, कुछ वर्षों पहले हम देखते थे कि चुनाव आयोग सिर्फ एक रेगुलेटर के रूप में काम करता था, यानी कि एक प्रक्रिया है, औपचारिक रूप से मतदान आएगा, मतदान चला जाएगा, इतिश्री कर ली जाएगी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जो हमारा चुनाव आयोग है उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज हमारा चुनाव आयोग महज एक रेगुलेटर की तरह काम नहीं कर रहा है, एक प्रकार से फैसिलिटेटर बन गया है और वोटर फ्रेंडली बन गया है। उसकी सारी सोच, सारी जो उसकी योजनाएं हैं, अगर उसके केंद्र बिंदु पर कोई है तो हमारा मतदान केंद्र में रहता है, मतदान केंद्र में सारी उसको सेंट्रल मान के, उसको केंद्रित मान के उसको काम किया जाता है कि कैसे अधिकाधिक मतदान हो, कैसे लोगों को मतदान केंद्रों तक लाया जाए, कैसे उनमें जागरूकता लाई जाए, कैसे मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए। साथियों, मतदान के लिए केवल चुनाव आयोग काम करता रहे, इतने वर्ष से काम चलने वाला नहीं है। इसमें हम सबको भी अपनी भूमिका निश्चित रूप से सम्मिलित करनी होगी। हमें आपको और हमारे युवाओं को स्कूल में, कॉलेज में, महाविद्यालयों में, संस्थानों में, मोहल्लों में जन जागरूकता अभियान चलाकर मतदान का जो माहौल है वो मतदान का माहौल बनाए रखना चाहिए। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, केवल हम ये सब छोड़ दें कि प्रशासन के लोग करेंगे, चुनाव आयोग के लोग करेंगे, क्योंकि एक देश के लिए जो मतदान होता है, देश के लिए हमारी भी क्या भूमिका है। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि मैं यहां से बोलने आया हूं, आप सबके बीच में अभी हमारे सब नेतागणों ने अपनी बात रखी, केवल इनका भी प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न, ये क्वेश्चन हमारा सबका है। और इस प्रश्न का उत्तर कोई देने वाला नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर हम सबको मिलकर खोजना है। और हम सब लोग मिलकर इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे तो निश्चित रूप से हमको इसका उत्तर भी मिलेगा। अब ये कई बार मैं देखता हूं कि हमारे युवा कहते हैं कि हम कोई राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक नहीं है, क्योंकि जीवन के अब हर मोड़ पर मैं आपसे कह सकता हूं कि आपको राजनीति मिलती है, हर मोड़ पर आपको ऐसा समाज मिलता है जो राजनीति के कारण से आगे बढ़ता है। फर्क यह है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो राजनीति है उसकी परिभाषा बदल दी है। पहले के वर्षों में राजनीति माने केवल एक ऐसे लोगों का समूह माना जाता था जिनके पीछे भीड़ चलती थी, निर्णय लेने वाले कोई पीछे से होते थे, चेहरे कुछ होते थे, काम कोई और करता था। लेकिन साथियों, अब ये सब परिभाषा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण से सारी परिभाषाएं बदल गई हैं। आज जो विपक्ष है वो विपक्ष भी दिशाहीन है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। आप देख रहे होंगे गठबंधन बना रहे हैं, INDA के नाम से गठबंधन बना रहे हैं, बेमेल गठबंधन बन रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से मुद्दे उठाएं। वो केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जबकि आदरणीय मोदी जी गरीब, युवा, किसान और महिला की बात करते हैं। आदरणीय मोदी जी का एजेंडा है भारत को विकसित भारत बनाना, भारत को दुनिया का सिरमौर भारत बनाना। और जो विपक्षी लोग हैं, जो आज केवल और केवल विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, उनको भी पता है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल विरोध का जिन्होंने एजेंडा चलाया हुआ है, उनका एजेंडा है कि मोदी जी को हटाओ, परिवार और अपनी जो संपत्ति है, अपना अस्तित्व है, उसको बचाओ। परंतु उन्हें ये पता नहीं है, मोदी जी को हटाने के चक्कर में ये खुद ही बिखर गए हैं। आज भी आपने देखा होगा बहुत सारे दल जो उनका बेमेल गठबंधन बन रहा था, उस बेमेल गठबंधन से अलग हो चुका है, उनकी धार खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। आप में से जो लोग पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं,
आज मुझे जब मैं हरिद्वार के आंकड़े देख रहा था तो उसमें 21,000 से भी 21,800 से ज्यादा ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। और मोदी जी को लोग इसलिए चुन रहे हैं, आज एक हमारी पार्टी ने सॉन्ग भी जारी किया है, वो सॉन्ग भी आप लोग अभी आप सबके पास पहुंच जाएगा कि हम सपने बुनते हैं, हकीकत बुनते हैं, इसीलिए मोदी जी को बार बार लोग चुनते हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो एकात्म मानववाद है, राष्ट्रवाद है। अन्य पार्टियों में और भारतीय जनता पार्टी में क्या अंतर है? कई बार लोग कहते हैं कि सभी पार्टियां वोट मांगती हैं, सभी पार्टियां सरकार में आ जाती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किया है, भारतीय जनता पार्टी में जो एक नीति है, रीति है, पद्धति है, वो है सबसे पहले सर्वप्रथम देश, दूसरे नंबर पर पार्टी, और तीसरे नंबर पर जो व्यक्ति इसमें काम करता है उसका स्वयं का हित होता है। यानी कि देश को सर्वोपरि माना गया है, राष्ट्र को सर्वोपरि माना गया है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और साथ में अंत्योदय, जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोग हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, जो सामान्य जो आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं जिन तक नहीं पहुंच रही है, उनके जीवन को उत्थान की ओर लाना, उनको सहायता देना, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, ये अंत्योदय का सिद्धांत लेकर समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को अंदर आगे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी के मुख्य ध्येय में से एक है। इसी को लेकर हम लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मेरे युवा साथियों, आपका एक एक वोट कीमती है, क्योंकि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसने युवाओं की समस्याओं को दूर करने के साथ ही युवाओं की जो अपेक्षाएं हैं, युवाओं की आकांक्षाएं हैं, युवाओं के जो सपने हैं, उन सपनों को भी पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। जो विपक्ष में लोग हैं वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट न दें, लेकिन मैं आपसे कहने आया हूं, आप सबके माध्यम से, कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, अवश्य वोट दें, भारतीय जनता पार्टी को अवश्य चुने, क्योंकि आपके एक वोट से, अभी हम सब बोल रहे थे ना, जय श्री राम, जय जय श्री राम, तो आप सबको पता है अयोध्या में भगवान राम पैदा हुए, त्रेता युग में भगवान राम पैदा हुए, या उस समय के लोगों ने भगवान राम का राम राज्य देखा, जिसकी आज हजारों वर्षों के बाद भी राम राज्य की चर्चा होती है। त्रेता युग के बाद द्वापर आया, और द्वापर के बाद कलयुग है, कलयुग के भी 5,126 वर्ष पूरे हो गए, और इतने वर्षों के बाद भी राम हमारे स्मरण में रहे, राम हमारे भाव में रहे, राम हमारे ध्यान में रहे, राम हमारे हर क्षण में, हर पल में विद्यमान रहे, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार देश के अंदर राम युग आया है, क्योंकि आप सब लोगों ने अपना एक कीमती वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया, आपने मोदी जी को चुना, देश के अंदर आप भाजपा की सरकार लाए, इसलिए देश को आज ये देश की आकांक्षाएं, देश का संकल्प, देश के सपने, जिसके लिए अनेक अनेक पीढ़ियां पूरी तरह से खप गई, लग गई, न जाने कितने लोगों ने अपना जीवन स्वाहा कर लिया, तब जाकर ये दिन हमको देखने को मिला कि भगवान राम वहां पर विराजित हो रहे हैं। भाइयों बहनों, हम लोगों को भी वहां जाना था, लेकिन आज वहां पर इतनी ज्यादा भक्तों की कतार खड़ी हो गई है, भगवान आराध्य देव रामचंद्र जी का दर्शन करने वालों की, कि हम लोगों को भी अपने कार्यक्रम पीछे करने पड़ रहे हैं। तो भगवान राम वहां पर विराजित हुए, उनका मंदिर वहां पर बन गया, क्योंकि आप लोगों के एक वोट की ताकत है। आपके एक वोट से काशी में बाबा विश्वनाथ का काशी कॉरिडोर बन गया, काशी कॉरिडोर जिसकी सर्वत्र चर्चा हो रही है, भव्य और दिव्य बना है। आपके एक वोट ने महाकाल उज्जैन में भव्य महाकाल लोक कॉरिडोर का निर्माण कर दिया,
आजादी से लेकर अब तक बहुत बरसों बरसों से हमारी प्रतीक्षा थी कि कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, वो समाप्त नहीं हुई। यह भी आपके एक वोट का ही करिश्मा है कि कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हो गई और पूरी तरह से भारत में विधिवत रूप से अब कश्मीर भी भारत का अन्य राज्यों की तरह एक राज्य बन गया। आपके एक वोट नहीं, जो हमारी मुस्लिम बहनें उनको 3 तलाक से मुक्ति मिल सकी है। आपके एक वोट से ही अभी हमारे युवा मोर्चा के साथी गौरव जी और हमारे शशांक भाई यहां से बोल रहे थे, बहुत सारे काम जो उत्तराखंड की सरकार कर रही है, कठिन फैसले ले रही है और उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उसके पीछे भी आपका एक वोट ही काम कर रहा है। आपके आपके एक वोट का ही कमाल है कि उत्तराखंड में जो तमाम सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे थे, अतिक्रमण था, और मैं कह सकता हूं कि एक लैंड को कब्जाने का जिहाद था, उसको समाप्त करने का काम, उससे अतिक्रमण मुक्त कराने का काम, या नकल विरोधी कानून से लेकर नकल विरोधी कानून, ये जरूर मैं इसकी एक मिनट की चर्चा आपके साथ करना चाहूंगा। ये नकल का जो काम है, नकल का जो अपराध है, ये बरसों बरसों से चल रहा था और उससे अगर कोई प्रभावित हो रहा था, सबसे अधिक प्रभाव किसी के जीवन पर पड़ रहा था, सबसे बड़ा नुकसान किसी को हो रहा था, तो हमारे युवा छात्र छात्राओं को प्रतिभागी परीक्षाओं में भाग लेने वाले हमारे युवा नौजवानों को हो रहा था, मेरे भाई बहनों को हो रहा था, उस नकल के अपराध से मुक्ति का काम भी अगर हमारी सरकार ने किया है तो वो भी आपके वोट की कीमत है। उसके कारण से ही जो है नकल का अध्यादेश हम ला पाए। भाइयों बहनों, आप देख रहे होंगे प्रत्येक दिन पिछले 2 सालों से लगातार हम भ्रष्टाचार के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। विजिलेंस 1064 जो हमने एक नंबर जारी किया हुआ है, उस पर तमाम शिकायतें आ रही हैं और उन शिकायतों का परीक्षण करने के बाद ट्रैपिंग की कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लगातार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और पहली बार ये सब काम हुए हैं। इसके साथ साथ अभी उत्तरायण आ गया, देखिए उत्तरायण, भगवान जब उत्तर में आ जाते हैं मकर संक्रांति को, तो कहीं पर मकर संक्रांति होती है, कहीं प्रदीप बत्रा जी के यहाँ लोहड़ी होती है, हमारे जो है अनेकों लोगों के यहाँ पर उत्तरायणी हमारे पूरे पहाड़ में होती है, कहीं पर माघी के रूप में मनाते हैं, कहीं बिहू के रूप में मनाते हैं, कहीं पोंगल के रूप में मनाते हैं, हर जगह पर भगवान सूर्यदेव के उत्तरायण पर आने पर अच्छे अच्छे काम शुरू हो जाते हैं। और उत्तरायण में ही भगवान राम अपनी जन्मभूमि पर विराजित हो गए, फिर से रामयुग आ गया। उसी प्रकार से देश के अंदर एक मांग लगातार चलती रही, जैसे धारा 370 समाप्त होना चाहिए, देश में राम मंदिर बनना चाहिए, देश के अंदर समान नागरिक संहिता, एक समान कानून सबके लिए बनना चाहिए, और इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हम करने वाले हैं और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमें इसके लिए मैंडेट दिया है, अपना मत दिया, अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया कि नहीं, सरकार इसी ने बनाई। उन्होंने पहले ही चलता था कि एक बार एक पार्टी की सरकार होती थी, दूसरा चुनाव आता था तो दूसरी पार्टी की सरकार आ जाती थी, यानी कि हर चुनाव में सरकार बदल जाती थी। मैं आप सबका भी उत्तराखंड के सभी देवतुल्य, हमारे देवतुल्य मतदाताओं का, देवतुल्य जनता का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार एक मिथक टूटा, एक नया इतिहास बना, और जो परिपाटी थी कि एक बार इस पार्टी की सरकार, एक बार उस पार्टी की सरकार, ये बदलने का काम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने किया और हमने उनके सामने संकल्प रखा था कि नई सरकार के आते ही हम प्रदेश के अंदर सभी के लिए एक समान कानून लाएंगे। और भाइयों बहनों, मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमको बहुत जल्दी आज या कल में जो कमेटी जिसने सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, 5 सदस्यीय कमेटी, उस 5 सदस्यीय कमेटी ने
अपना ड्राफ्ट पूरा कर लिया है। मुझे सूचना दी गई आज कि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है, जल्दी ही हमको वो ड्राफ्ट मिलने वाला है और ड्राफ्ट मिलते ही हम विधानसभा का सत्र बुलाएंगे और विधानसभा में समान नागरिक संहिता का जो कानून है पूरे उत्तराखंड के लिए उसको लागू कर देंगे। इसलिए मैं आप सभी से अपील करूंगा कि अपना वोट बर्बाद न करें, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को जिनका एक एक पल एक एक क्षण केवल और केवल देश को समर्पित है, देश की जनता को समर्पित है, यहाँ के माताओं बहनों को समर्पित है, हमारी नौजवान पीढ़ी का जो उन्होंने संकल्प और सपन देखा है वो संकल्प पूरा करने के लिए लगा रहे हैं। आपने देखा भगवान राम की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उन्होंने कितना कठिन व्रत किया, 11 दिनों तक उन्होंने अन्न और जल त्याग दिया, जमीन पर सोए कड़ाके की ठंड में भी लगातार उन्होंने अनेक अनेक जो विधि विधान होता है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए वो सब काम किए। वो केवल और इसलिए किए कि राम से राष्ट्र का उदय हो रहा है, राम से देश आगे बढ़ रहा है, राम राज्य की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प पूरा करने के लिए, उनके हाथों को और अधिक मजबूत करने के लिए हमको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है और केवल स्वयं ही नहीं करना है, अपने साथ साथ हमारे जहां नौजवान वहां पीछे से ताली बजा रहे हैं, मेरे नौजवान भाई, मेरे युवा प्रिय साथी, वही मैं अपनी बेटियों से बहनों से भी कहूंगा कि आपकी भी भूमिका बराबर की है इस राष्ट्र को बनाने में। हमारे भाई भी, हमारी बहन भी, हमारे बेटे भी, हमारी बेटियां भी एक साथ सब कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे तो विकसित भारत बनने से हमको कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। आप सभी अपने वोट का सही प्रयोग करेंगे ना? अरे जोर से बोलिए ना, करेंगे करेंगे ना जोर से। तो आधे हाथ उठ रहे हैं आधे नहीं उठ रहे, क्या बात है? अपने वोट का सही प्रयोग करेंगे ना? अरे ठंड भी थोड़ा दूर हो जाएगी, तो हाथ जोर से ऊपर उठाओ। करेंगे ना? आप सभी की जो आवाज है ये ऊर्जावान आवाज सुनकर मुझे खुशी हुई कि आपका वोट आप हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को मजबूत करने के काम आएगा, भारत को विकसित भारत बनाने के काम आएगा। अंत में पुनः मैं अभी अपने सभी नव मतदाताओं को जिन्होंने पहली बार अपने वोट का प्रयोग करना है उनसे एक अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आप लोग जब पैदा हुए होंगे या आप थोड़ा बड़े हुए होंगे आपको उस समय भाग नहीं होगा, 2004 से लेकर 2014 तक इस देश के अंदर कौन सी सरकार थी? एक ऐसी सरकार थी जिसने अनेकों घोटाले किए, कॉमनवेल्थ का घोटाला, कोयले का घोटाला, 3G स्पेक्ट्रम का घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, देश के अनेक घोटाले उस सरकार ने किए। लेकिन आप लोगों को जब से समझ आई है, जब से आप बड़े हुए हैं या आप जब वोट डालने जा रहे हैं तो आपने घोटाले नाम का शब्द भी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये देश के अंदर घोटाले, ये भ्रष्टाचार, ये परिवारवाद, ये तमाम प्रकार का व्यक्तिवाद, ये समाप्त करने का काम किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाई बहनों, उन्होंने देश के लिए काम किया है। इसलिए मैं आप सबको ये आह्वान करते हुए कि आप इस अभियान को जारी रखेंगे, इस अभियान को आगे चलेंगे। अंत में पुनः सभी को, सभी मेरे नए मतदाताओं को,